गाइज विंडो 11 आ चुका है एंड लिटरली बहुत सारे लोग अब विंडो 11 में स्विच कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी। बट अगर मेरे को बताना हो, मेरा पर्सनल फेवरेट अभी तक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है वो है विंडो 10 और विंडो 7। एंड ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, आज के वीडियो में आप सभी को पता चलने वाला है। ये वीडियो काफी ज्यादा काम की हो सकती है उन भाइयों के लिए जो अभी लाइक विंडो 10 या 7 या कोई भी विंडो चला रहे हैं बट वो आने वाले टाइम में स्विच करने वाले हैं विंडो 11 पे। बताने आज की वीडियो में क्या आप सबको विंडो 11 में स्विच होना चाहिए नहीं होना चाहिए सब कुछ बताने वाला आज की वीडियो में। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हैं टेक टॉक चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे यहां पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, दबा के ग्रे कर देना। मैं ऐसे यूजफुल और बहुत एनर्जेटिक वीडियोस लाते रहता हूं। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसी पावर और एनर्जी के साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखो सबसे पहली चीज, अगर आप सबके पास एक ऐसा सिस्टम है जो काफी अच्छा है, मतलब उसमें काफी अच्छा प्रोसेसर भी है, उसमें ग्राफिक कार्ड भी डला है, SSD भी है, तो देखो सर जी साफ साफ बोल सकता हूँ विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम उस सिस्टम में काफी अच्छा और एक बटरी स्मूथ चलेगा। जब आप सब गेम वेम प्ले करेंगे FPS आप सबको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगी और डेफिनेटली विंडो 11 ये चीज कर चुका है। ये चीज इसलिए हो रही है क्योंकि विंडो 11 में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट और काफी न्यू टेक्नोलॉजी यूज हुई है, इसके वजह से आप सबको जो ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो एक लेवल और ऊपर मिलेगा। बट दोस्तों अगर आप सबके पास एक बजट लैपटॉप या PC है, तो पहले मैं उन सबको क्लियर कर दूं, तो विंडो 11 इज नॉट अ गुड चॉइस। क्यों कह रहा हूं बताता हूं। देखो बहुत लोगों के पास हाई एंड PC नहीं होगा तो मैं उनके प्रोस्पेक्टिव से बताऊंगा। सबसे पहली चीज आती है, अगर आप सबका सिस्टम 32 बिट का है तो वो विंडो 11 में टोटली हट चुका है। 32 सिस्टम बिट के अब विंडो 11 में नहीं स्विच कर पाएंगे। 32 बिट इन द सेंस ये है कि आप सबका जो प्रोसेसर है वो ड्यूल कोर होगा, 2 GB की रैम होगी, इंटेल पेंटेलियम जैसा उसमें प्रोसेसर डला होगा। ये जो सिस्टम्स होते हैं ना ये काफी ज्यादा कमजोर सिस्टम्स में आते हैं, विंडो 11 यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा एंड लाइक कुछ ना कुछ कंपेटेबिलिटी इशू डेफिनेटली आप सबको मिलेगी। तो ये तो हो गई पहली पॉइंट, मतलब 32 बिट वाला तो है ही नहीं, खत्म। सेकंड पॉइंट आता है, देखो ये जो सेकंड मेरा पॉइंट है ना ये काफी ज्यादा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं दे रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास एक बजट लैपटॉप है, अनबॉक्सिंग आपने देखी है, रिव्यू देखी है तो आप सबको पता होगा, और उसके अंदर विंडो 11 का अपडेट आया। मैंने विंडो 11 अपडेट भी कर लिया बट मतलब मेरे को पर्सनली फील होता है कि ये जो विंडो 11 है वो उस बजट लैपटॉप में थोड़ा सा स्लो काम करता है। लाइक अगर मैं कंपेयर करूं विंडो 10 के, तो विंडो 10 में कोई भी ऐसी मेरे को दिक्कत नहीं होती थी, सारी चीजें इंस्टेंटली ओपन होती थी, बट विंडो 11 में थोड़ी सी दिक्कत है। एंड आई होप आप सब मेरी दिल की जो बात है ना उसको समझ पा रहे होंगे। मैं बता सकता हूं अभी तक का जो मेरा मतलब विंडो 10 विंडो 7 का एक्सपीरियंस है वो अभी तक काइंड ऑफ बीट नहीं कर पाया है विंडो 11, चाहे मैं अपने PC या लैपटॉप में बात करूं। देखो सिंपली बोल सकता हूं यार, जो बजट लैपटॉप्स या PC अगर आप सबके पास है तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड चॉइस विंडो 11 में इन्वेस्टमेंट करना। ये जाने दो, थर्ड पॉइंट की बात कर लेता हूं। ये वाला जो पॉइंट है ना ये एक गेमर काफी अच्छे से समझ सकता है। देखो सबसे पहली चीज, विंडो 11 मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगा, विंडो 11 में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो गेमिंग के लिए काफी ज्यादा एक हाईलाइट फीचर दिया हुआ है, क्योंकि गेमिंग में आप सबको जो विंडो 10 का जो एक्सपीरियंस मिलता था उससे भी एक लेवल ऊपर होगा, क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में काफी ज्यादा अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है। लाइक मैं बोल सकता हूँ अगर गेम वेम खेलोगे विंडो 11 में तो आप सबको फास्ट लोडिंग मिलेगी, FPS आप सबको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, बट हाँ ऐसे चीज के लिए ना आप सबको ग्राफिक कार्ड की नीड होगी, NVMe SSD की भी नीड होगी, तब जाके जो आप सबको परफॉर्मेंस है वो एक अच्छी खासी मिल पाएगी। अगर मैं बात करूँ ऑर्डिनरी सिस्टम की, लाइक उसमें तो सारी चीजें बजट में होती है, उसमें ना तो ग्राफिक कार्ड होगा SSD नहीं होगी, तो आप सबको जो विंडो 11 चलाओगे तो वो मदद ले कहां से पाएगा, और अगर मदद नहीं लेगा तो वो इतनी फास्ट लोडिंग ना FPS ज्यादा कुछ नहीं दे पाएगा। एक चीज और है, विंडो 11 में अभी यहां पे एक नई टेक्नोलॉजी और आई है ऑटो HDR, तो अगर आप सबके पास ऐसा मॉनिटर है और ऑटो HDR मॉनिटर यार काफी ज्यादा मतलब बहुत महंगा आता है, उसको सपोर्ट करने के लिए आप सबको मॉनिटर लेना पड़ेगा, तब जाके आप सबको जो क्वालिटी है आपके मॉनिटर की वो आप ऑटो HDR में स्विच कर पाएंगे। ये फीचर देने का मतलब विंडो 11 का साफ सीधा है कि आप सबको मॉनिटर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल मॉनिटर्स में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। इन द लास्ट में बोल सकता हूँ विंडो 11 काफी अच्छा है गेमिंग के लिए भी है, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, बट ये चीजें तभी अच्छी है जब आप सबका सिस्टम काफी अच्छा केपेबल है। अगर आप सबका सिस्टम ही केपेबल नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आप सब विंडो 11 में स्विच करना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। तो डेफिनेटली आप सबको आज की वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि क्या आप सबको डिसीजन लेना है अपना। सिंपल सा है, साफ सीधी बात है, आप सबको सारी चीजें क्लियर मैंने
मैंने कर दी है। विंडो 11 मैं बिल्कुल खराब नहीं बोलूंगा, बहुत सारी चीजें उसमें नई नई फीचर्स और टेक्नोलॉजी ऐड हुई है, काफी अच्छे अच्छे एनिमेशन ऐड हुए हैं, तो मेरे को वो तो बहुत अच्छे लगे हैं। उसके लिए थोड़ा सा आप सबको सिस्टम केपेबल होना चाहिए। होपफुली आप सब मेरी बातों को समझ रहे होंगे और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है ना लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी है ये थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो, और हम मिलते हैं ऐसे ही अनदर एक्साइटेड वीडियो के साथ। ओके बाय बाय।